वेलकम व्यवर्स uh, You are प्राइम टाइम विद अनिस फारूक की ऑन टैक टी वी थैंक यू फॉर वॉचिंग इट बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद आप लोग हमें देखते हैं प्यार देते हैं अपना और हमें सराहते हैं साथ साथ आपके कॉमेंट्स आ रहे हैं वो आते रहते हैं उनका सिलसिला जारी रखिएगा और हमारे सोशल मीडिया के सारे नेटवर्क जितने भी हैं उनको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि यही एक जरिया है हमारा आपसे जुड़ने का और जिससे हमारी आपकी एक ऐसी केमिस्ट्री है जो कि हमें मालूम रहता है कि पल्स जो है इस वक्त करंट अफेयर्स की वो कहाँ है हमारे व्यूअर्स हमसे क्या सुनना चाहते हैं किस तरह से सुनना चाहते हैं और जहाँ एक जंगल है टॉक शोज़ का जूम मीटिंग्स का स्काइप का वहाँ पे हम क्या इंडिविजुअलिटी के साथ क्या मुनफरद क्या डिफरेंट कर रहे हैं कि आपको वो पसंद आएगा और ये वो आपकी मोहब्बत है आपके कमेंट हैं आपके लाइक like हैं आपकी लाइव व्यूअरशिप है जो हमें बताती है कि यू रियली रियली लाइक टैक टी एंड यू रियली रियली लाइक आवर शोज़ हमारे साथ आ, बहुत सारे मौजूद हैं आज और टॉपिक्स डिफरेंट आज आपको हम थोड़ी सी नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन भी देंगे डिस्कशन भी करेंगे ताहिर रम गोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं टैग टीवी के स्टूडियो में उनको भी वेलकम करते हैं सर थैंक यू थैंक यू बहुत सारी हमने देखा जंगल एक शोज़ का आ गया सर और उसमें बड़े लोग हमें कहते हैं कि दे आर स्टिल वॉचिंग अस राइट तो उसकी क्या वजह है उसकी वजह क्या है कि हम कोई मतलब कोई यहाँ पे को मनोरंजन तो कर नहीं रहे है? हम भी वही ड्राई ड्राई टॉपिक कर रहे हैं लेकिन जो आपका एक मुनफरद अंदाज़ है आ, वो लोगों को बहुत बात है देखिए अनिस भाई बात यह है कि आप हों मैं हूँ हम आ, इस मैदान में काफ़ी पुराने हैं बल्कि या, मुझे याद है कि यूट्यूब अभी इतना पॉपुलर नहीं हुआ था जब हमने बातचीत का यह सिलसिला शुरू किया था बिल्कुल बिल्कुल। आ, तो हमें इस बात का फ़खर है कि एक तरह से आप हों मैं हूँ पाइनियर्स में से हैं बिल्कुल लेकिन अब मेरा ख्याल है कि वो समय भी आ गया है कि जब अब मैं और आप सोचने लगे हैं कि हमें अब अपने इस दायरा गुफ्तु को बढ़ाना, बढ़ाना है इसमें कोई डाइवर्सिटी लानी है जी, जी। चूंकि मैं भी डेली आलमोस्ट बात करता हूँ आप भी डेली बात करते हैं तो अब मेरा ख्याल है कि एक ऐसा मुकाम आ गया है कि जिसमें हमें प्रेजेंटेशन में भी बहुत सारी तब्दीलियां लानी है जो हमने प्लान कर ली हुई जी, 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 इसके साथ साथ हमारे अब पैनलिस्ट भी बहुत डिफरेंट अंदाज में बढ़ने वाले हैं। बढ़ने वाले हैं। जी, जी. कोविड ने हमें बहुत रोके रखा सही बात वरना ये काम जो मैं और आप करना चाह रहे थे एक जी, साल से जी जी ये काम एक साल पहले हो चुका होता बिल्कुल हो चुका होता लेकिन बदकिस्मती से ये जो 2020 का साल है अब करीब खत्म होने वाला है ये कि पूरे का पूरा कोविड ही खा गया बिल्कुल चला गया और उसकी मैं मैं बहुत सारे मुझे क्वेश्चन आया था भाई कि काफी अर्से आप नजर नहीं आते टैग टी वी नजर नहीं आते अब हम कैसे बताएं कि कैनेडा में टोरटो में जो तेजी से कोविड की बढ़ती हुई सूरत हाल है वो इतनी ख़राब हो गई है कि अब फिज़िकल कॉन्टेक्ट में हमें तकरीबन मना कर दिया गया है right. और हम बहुत ही एहतियात के साथ इस वक्त जी रहे हैं चल रहे हैं क्योंकि कैनेडा और अमेरिका और यूरोप की एक अच्छी बात यह है कि हमको यहाँ पे सरकार के रूल फॉलो करना पड़ते हैं और हम करते हैं तो लेकिन जो मज़ा स्टूडियो में बैठ के डायरेक्ट आपके साथ बात कहा है वो तो ज़ाहिर स्काइप और उस पर नहीं आ रहा था हमें तो वो हम अपना हमारा गैप भी आता रहता था साथ साथ तो व्ययर्स आज आज जो हम बात करेंगे वो काफ़ी डिफरेंट एंगल uh, से बात करेंगे और डिफरेंट uh, टॉपिक्स पे बात करेंगे थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे एक ट्विटर uh, और फेसबुक और सोशल मीडिया जिसपे हम सारा ये खेल खेलते हैं यूट्यूब पे ए, ये लोगों ने अपनी एक मोनापली बना दी है भाई कि ये अपने आप को खुदा समझने लग गए हैं ये अपने आप को एडिटोरियल बोर्ड दुनिया का समझने लग गए हैं कि जिसको चाहे सेंसर कर दें जिसकी चाहे ट्वीट डिलीट कर दें जिसको चाहे सस्पेंड कर दें आ, लेकिन अच्छी बात यह हुई कि अमेरिका के सैनेट में आ, इसको क्रूज जो एक सैनिटर है उन्होंने इसका नोटिस लिया क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम होते कौन हो जो आवाम की या प्रेसिडेंट ट्रम्प की या किसी और की ट्वीट पे को फ्लैग करने वाले तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है जो कि शायद बहुत सारे लोग इस टॉपिक को कवर नहीं करें मैं चाहूँगा आप हमें बताइए कि यहाँ बैठ के आप इसको कैसा देख रहे हैं देखिए बिग टेक जो है हैंनी साहब आप ख़ुद आई के भी एक्सपर्ट हैं बिग टेक ने दुनिया का जो नेगेटिव है यू लगता है जैसे अपने कंट्रोल में कर लिया हुआ है और जो बात वो चाहते हैं या जिसको इंडोर्स करते हैं या अप्रूव करते हैं हाँ वो बात तो दूर तक फैलती है मतलब इजारा दारी बना दी है उन्होंने बना दी कि हम चाहेंगे हम हम डिसाइड करेंगे कि कौन इसमें इस किसकी ट्वीट हमें अच्छी लग रही है किसकी जो है ट्वीट सही नहीं है कौन सा ये पोलिटिकल मनोवरिंग में आ रहा है मतलब हु आर यू देखिए वो खुद सबसे ज़्यादा पोलिटिकल मनोवरिंग कर रहे होते हैं ठीक है उनका आप लैंग्वेज देखिए जब आप ट्विटर पे जाएं खास तौर तो पर ट्विटर की मैं पहले बात करता हूँ तो आप जाएं आप उनके ट्रेंड में देखें तो वो ट्रेंड किस तरह फैलते हैं जी। तो मुझे साफ लगता है कि वो वाली बातें ज्यादा ट्रेंड में आती हैं जो एक सर्टेन आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है ठीक है ठीक है तो ऑटोमेटिकली वो पोलिटिकल तो मेनूवरिंग उसी बात से होगी ना अब आप यूएस के इलेक्शन के कॉन्टेक्ट में देखती थी। ठीक है यूएस के इलेक्शन के कॉन्टेक्ट में जो जो एग्जिट पोल्स थे जी। Uh, जो सारे के सारे बहुत बड़े डिफरेंस के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ थे 13 से 22 पॉइंट्स तक वो प्रोजेक्ट कर रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप हारेंगे और ये वाले एग्जिट पोल्स और इनकी खबरें यही ट्रेंड कर रही होती थी ठीक है लेकिन ग्राउंड पे क्या हुआ ग्राउंड पे तो ये हुआ ना तो बहुत कम मार्जिन से प्रेजिडेंट ट्रंप हारे बिल्कुल और उनकी जो हार भी है वो उसको अभी तक मान नहीं रहे ठीक है लेकिन 71 मिलियन वोट उनको पड़े कोई ब्लू वेव नहीं आई मैं यहाँ पे प्रेजेंट ट्रम्प की हमायत की बात नहीं, नहीं कर रहा लेकिन जो ट्रेंड आप देखना जो जो मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े जो बिग टैक्स हैं या इवन जो बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स है वाशिंगटन पोस्ट है सी है ए न्यूज है एम एस एन बी सी इस तरह फिर बी बी सी है अलजीरा ये सब के सब पार्टी बने हुए हैं ठीक है और ये पार्टी सिर्फ यूएस चूके दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट तो कंट्री है उसके हवाले से तो है ही है बिल्कुल है। लेकिन जहाँ कहीं इलेक्शन होते हैं चाहे भारत हो चाहे यूके हो यूरोपियन यूनियन हो जहाँ कहीं इलेक्शन हो ये अपनी मेनूवरिंग करते हैं अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बेस पे ये सेट करते हैं अब आपको याद होगा प्रेजिडेंट ट्रंप 2016 से डेमोक्रेट्स उनके पीछे पड़े रहे जी कि रशिया ने आपको जितवाया है जी, जी। अब मैं ये सोचता हूँ कि रशिया चाइना या अमेरिका किसी को क्या हरा सकता है किसी को क्या जितवा सकता है असल तो अब ये बिग बिग है टेक है बिल्कुल अच्छा इनकी मर्जी होती फेसबुक वालों की है. कि जिस पार्टी की जिस मेंबर कैंडिडेट की ये कैंपेन लेना चाहे लें जिसकी ना लेना चाहे रिजेक्ट करना चाहे कर दे बट दिस इज दिस इज अ क्वेश्चन आपने एक ऐप एक, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिजाइन किया जिसमें आपने अपॉर्चुनिटी दी कि लोग ट्वीट ट्वीट कहते हैं ना परिंदे की चहचहाहट राइट right. तो आप ट्वीट कर सकें आप कुछ भी कह सकें एक आज़ाद परिंदे की मानंद लेकिन वो आज़ाद परिंदे की जो ट्वीट है उसको वो जब पसंद आती है उनके कानों को तो वो तो वो देते हैं जो नहीं पसंद आती वो उसको सेंसर कर देते हैं सो दैन वेर इज़ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो कि एक इंसानी बुनियादी हक है इंसान का वो कहाँ है देखिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वेस्टर्न वर्ल्ड में अनीस भाई एक बहुत बड़ा एक रिलीजन की हैसियत रखता है ये लिबरल्स ने ही पुराने जमानों में इसको किया था बिल्कुल, बिल्कुल अब जो आज के लिबरल्स हैं जी वो इसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर कदगने लगा लगा है, अच्छा मैं उनसे भी ये कहता हूं कि बहनों भाइयों बात बड़ी सिंपल है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और हेट में लाइन खींची जा सकती है बिल्कुल बिल्कुल वो उसके कवानी हर वेस्टर्न कंट्री में मौजूद हैं हाँ, बिल्कुल तो जब वो कवानी मौजूद हैं नॉर्म्स मौजूद हैं कि हेट वाली बात नहीं चलेगी ना वो सी एन एन पे चलेगी ना सी बी सी पे चलेगी ना ट्विटर पे चलेगी अब हेट क्या है कोई ये कहे कि जी फला रिलीजियस कम्युनिटी एथनिक कम्युनिटी को मार देना चाहिए और बुरी होती है जी। ये जी। तो है हेट जी। कोई ये कहे कि फला आइडियोलॉजी जो है उसमें यह खामियां हैं यह खूबियाँ हैं यह है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जी जी अब कोई भी आइडियोलॉजी हो कोई भी आइडियोलॉजी दुनिया की चाहे कल्ट हो चाहे रिलीजन हो चाहे पॉलिटिकल आइडियालॉजी हो उसके बारे में जो भी आप राय दें वो जानी चाहिए वो फ्रीडम एक्सप्रेशन में जाती है लेकिन उस आइडियोलॉजी के मानने वालों को आप कहें कि जी ये इनको मार देना चाहिए या ये घटिया लोग हैं ये हेट में जाती है इतने और वाज लॉज मौजूद हैं उसके बाद मुझे समझ नहीं आती कि ट्विटर को क्यों जोड़ता है अपने बनाने की। मुझे इस पर एक बात याद आई कि ट्विटर पर मैंने एक ट्वीट की थी कि हर मुसलमान दहशत गर्द नहीं होता लेकिन हर दहशतगर्द मुसलमान निकलता है तो वो ट्विटर ने मेरी ट्वीट डिलीट कर दी कि ये इस्लामो फोबिया की उसमें आ रही है तो ये जो फोबिया वाला चक्कर है ये भी जो है इनके ये कंट्रोल करेंगे अब क्योंकि ये बताएंगे कि आप आप ये सही कह रहे हैं ये नहीं कह रहे हैं तो फिर वो मेरा बुनियादी हक तो ख़त्म हो गया देखिए जो आपने जुमला ट्वीट किया था नाइन अलेवन के फ़ौर बाद एक आर्टिकल अरब न्यूज़ में छपा था आ, मेरा ख्याल मिसर रशीद समथिंग तो कोई सऊदी अरब के थे उन्होंने आर्टिकल लिखा था ये उस वक्त ये आर्टिकल चल गया उस वक्त चल गया था अच्छा लेकिन दिन ब दिन दिन ब दिन आप ये नहीं कह सकते अब आज के माहौल में ये बदकिस्मती से मेरे साथ कल भी एक पाकिस्तानी साहब आ, लाइव सुपरचैट में आर्ग्यू कर रहे थे तो मैंने उनसे भी कहा कि भाई बात ये है कि मैं मानता हूँ कि हर टेररिस्ट एक्ट जो है वो मान नहीं होता पीछे मगर ये तो रियलिटी है कि जो सैडली अब तक जो वाक तो जो नाइन्टी नाइन परसेंट जो टेररिस्ट एक्ट है नाइनटी नाइन परसेंट टेरिस्ट एक्ट्स हैं पर्टिकुलरली आफ्टर नाइन अलेवन के बाद बल्कि उससे भी कुछ पहले नाइनटी नाइन के पीछे कोई ना कोई मुस्लिम फेथ रखने वाला आदमी निकलता है निकलता है। अच्छा वो जो 1 है, या उससे भी कम के जो है टेररिस्ट एक्ट कोई कोई वाइट सुपर मैसिस्ट हो सकता है या कोई आ, कोई नेशनलिस्ट खौफनाक रवैये वाला हो सकता बिल्कुल है।, हो है हम उनको भी कंडेम करते हैं लेकिन दुनिया में जब नाइनटी नाइन परसेंट से ज्यादा फे का नाम लेने वाले लोग निकलते हैं तो फिर तो ये जनरलाइजेशन बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो कोई, कोई अच्छा, तो का सबसे बड़ा शिकार तो अफगानिस्तान में डेली मुसलमान ही हो रहे हैं ज्यादातर नाइजेरिया में हो फ्रांस में वाक हो जाए ठीक है सब उसके पीछे निकलता है अच्छा नहीं मैं ये कह रहा हूँ उसके जो विक्ट भी होते हैं हाँ. वो भी ज्यादा तादाद जो है वो हमने तो देखा अब तक मुसलमान नहीं दु, मुसलमान का देखिए इकतीस हजार से ज्यादा टेररिस्ट एक्ट्स हुए हैं दो हजार से अब तक जिनमें वही नाइन्टी नाइन पॉइंट सम परसेंटेज फेथ इस्लाम का नाम लेने वाले लोग थे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है हाँ. तो अब जब ये सिचुएशन है तो हमें वी हैव टू कॉल बिल्कुल ठीक है दो उस पर मुसलमान दुनिया को रिएक्ट करने की बजाय वो जो ऐसा माइंड सेट रखने वाले हैं हैं लोग उनके पीछे जाने चाहिए पीछे जा, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। से तलब कर लिया और वहां पर कार्रवाई होती है अब उसका थोड़ा अहवा बता देखिए कुछ हफ्ते पहले भी इनको तलब किया था आज फिर इनको तलब किया ट्विटर को ट्विटर के मिस्टर नाम है जैक वो और जुकरबर्ग जकर, जकर इनको इनसे पूछा गया आपके पास क्या अख्तियार हैं कि आप किसी की कैंपेन चलाने वो आपको पैसे दे रहे कैंपेन चलाने की आप एंडोर्समेंट करते हैं पैसे लेते हैं कहते हैं चलाएँ कैंपेन, और किसी को आप कहते हैं कि नहीं आपके आइडियाज़ हमें पसंद नहीं हम आपकी कैंपेन नहीं चलाएंगे ठीक है ये आपके पास हक हा, हाँ कहाँ से कलेक्टिव जो आप एक कर रहे हैं ठीक है फिर दूसरा हम जैसे आ, ट्विटर के चीफ से ये बात जो मैंने सुनी टैट ने पूछा आ, मिस्टर डॉर्सी से कि आप ये बताइए कि आप ये कहते हैं कि इलेक्शन हम ये कहते हैं रिपब्लिकन उन्होंने कहा हम ये समझते हैं और बहुत सारे अमेरिकन समझते हैं कि शायद इन इलेक्शन में कुछ फ्रॉड हुए हैं ठीक है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है तो आप जानते हैं एक फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ हाँ। उसने कहा कि नहीं मैं नहीं जानता इस बात हाँ। को फिर दूसरा सवाल उन्होंने इमीजिएट किया कि आप ये बताइए कि फ्रॉड जो है वो इलेक्शन में जनरली आ, आप उसको कितना जानते हैं ठीक है कितना हो सकता है ठीक है। उनका मैं नहीं जानता। है, फिर फिर कहा कि फिर आपको कैसे जरूरत हो रही है हाँ। कि आप प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्वीट्स को सेंसिटिव करार दे रहे हैं ठीक है जब आपको पता ही नहीं है हाँ। लॉ बनाना आपका काम नहीं है सही है तो आप ये क्यों काम कर रहे हैं तो वो मतलब काफी ग्रिल किया चंद हफ्ते पहले भी ग्रिल किया आज भी ग्रिल किया उस ग्रिलिंग का जवाब नहीं दे सके हाँ। लेकिन ये मुझे पता है कि अब ट्विटर वाले और फेसबुक वाले अंदर से रिलीव महसूस करते हैं कि भाई ये तूफान गुजर जाएगा चंद हफ्तों बाद हाँ। प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन आ जाएंगे हाँ। लेकिन ये मैं बात बता दूं कि सेनेट में अच्छी खासी बढ़तरी अच्छी खासी चले ना सही लेकिन थोड़ी सी बढ़तरी रिपब्लिकन को अभी भी है अगर ना भी रिपब्लिकन को बढ़तरी हो तो सैनेट में वो मौजूद तो मौजूद तो है वो कोई है। भी एक आदमी सवाल खड़ा कर सकता वो तो किसी वक्त भी इनकी तलबी हो सकती बिल्कुल, है बिल्कुल, बिल्कुल। इन वो जो कमेटी में, तो ये अमेरिका की डेमोक्रेसी का एक, एक है। बिल्कुल बेबस है। हो हैं इनफैक्ट अमेरिका में ये डिबेट है कि भाई ये वही जो आपने बात की ये सोशल मीडिया के ठीक है टेक बन चुके हुए क्या ये अब दुनिया का नेगेटिव ये लोग चलाएंगे ये लोग चलाएंगे <laughs> ये अच्छा आपने जो बाइडन की भी जिक्र कर दिया तो आज चले आज उन पर भी बात हो जाती है इलेक्शन भी हो गए सब कुछ हो गया जो बाइडन भी आ गए मैं एक डिफरेंट एंगल से सोच रहा था कि जो बाइडन के आने से जो एक रिलेशनशिप है नरेंद्र मोदी जी का जी। और या ये कह लेंगे यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया ये जो रिलेशनशिप है ये इसको आप कैसे देखते हैं ये बड़ा है तो बड़ा एक सादा सा सवाल लेकिन इसकी गहराई जो है वो हम चाहते हैं अपने हमारे व्यूअर्स को ज़रा समझाइएगा देखिए ये ये इस पर बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस भी रही मेरी भी थोड़ी बहुत थी शायद अभी भी, भी हों लेकिन कम होती जा रही हैं उसके कम होने की वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको इमीजिएटली कंग्रेचुलेट किया था जब है? पता चला कि वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं है। आज ही उनकी बात हुई है जो बाइडन से मोदी साहब की मोदी साहब ठीक और वो बात भी बड़ी पॉजिटिव रही है और सेकेंडली ये भी है कि जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन जो आएगी उसके बारे में मुबसरीन ये कह रहे हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भारत के साथ दोस्ती की बातें तो बहुत करते थे प्रैक्टिकली बहुत नहीं होता था हाँ। खासतौर पर ट्रेड के लेवल पे बल्कि वो उल्टा टैरिफ लगा दिए थे बिल्कुल बिल्कुल ट्रम्प साहब ने हाँ। वो कहते कुछ है करते कुछ है अच्छा वो नहीं था आ, ट्रेड लेवल पे कुछ नहीं हो रहा था हाँ ठीक है ये स्ट्रेटजिक लेवल, लेवल पे क्वाड की बड़ी मीटिंग्स हुई अभी बल्कि दो हफ्ते पहले ही माइक पॉम्पियल और हाँ, रिसेंटली रेजिग्नेटेड जो मार्क आ, हैं मैं उनको दूसरा नाम बोल रहा हूँ वो गए हुए थे यू एस स्टेट डिफेंस सेकटरी अब वो रिज़ाइन कर दिया प्रेजेंट ट्रम्प के साथ इख्तलाफा की वजह से चूँकि वो यू एस से प्रेजेंट ट्रंप यूएस की फौजें निकालना चाह रहे हैं ठीक काफी हद तक चम्छा, जो चम्छा। आज ऐलान कर दिया वो उसकी मुखालफत कर रहे थे अफगानिस्तान से और इराक से तो एनी हाउ जो बाइडन की और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो केमिस्ट्री है लगता है वो अच्छी बनेगी गुड गुड वो लगता है अच्छी बनेगी और प्रैक्टिकली चीजें काफ़ी होंगी अच्छा क्योंकि इंडिया और अमेरिका के तल्कात काफी एडवांस लेवल तक पहले ही आगे जा चुके हैं। ठीक है तो या तो वो आगे जाएंगे ठीक है। पीछे जाने का उसको कोई चांस नजर नहीं आता। अच्छा हम जो बाइडन के साथ तो नरेंद्र मोदी जी का देखते हैं हम ये भी देख रहे हैं कि दुनिया का जो ये एक स्पेक्ट्रम है जी इसमें इंडिया हर जगह नजर आ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें या ब्रिक्स की बात कर लें अब मैं चाहूँगा थोड़ा सा ब्रिक्स भी लोगों को समझाएं कि ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका जी बड़ा ये, ये बड़ी इम्पोर्टेंट एक बॉडी है जी देखिए ब्रिक्स जो है ब्रिक्स में ये पांच कंट्री है जी बी से ब्राज़ील आर से रशिया आई से इंडिया जी, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका ठीक है और ये कई सालों से इनकी मीटिंग्स हो रही हैं चंद साल पहले ही चाइना में एक मीटिंग थी उसमें पाकिस्तान की तरफ से होने वाली टेररिज्म पे काफी कंसर्न का इजहार किया था और चाइना ने उसको इंडोर्स किया था अच्छा ठीक है ब्रिक्स ब्रिक्स की मीटिंग में। ब्रिक्स की मीटिंग मीटिंग में अब जो आज की वर्चुअल मीटिंग हुई है चूँकि अब कोविड के जमाने में सारी मीटिंग की जी, बिल्कुल, 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 आज की जो वर्चुअल मीटिंग हुई है उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट शी का मौजूद होना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो जो आ, वो जो गुलवान में जो सारा वाक तो। हुआ और जो टेंशन रही अभी भी वो जयशंकर जी का कहना है कि अभी भी कोई बहुत अच्छे तल्लक नहीं है चाइना और ऑन ऑन बॉर्डर बॉर्डर इंडिया के वैसे भी ओवरऑल भी नहीं का, काफी सख्त मैरी मैरी आपस में सर्द मैरी भी है और उसकी वजह यह है कि ऐप वहां पर बैन है कारोबार काफी कम हुआ हुआ है चूंकि चाइना कारोबार

तो इस सारे खेल तमाशे में ब्रिक्स में जो आज की वर्चुअल मीटिंग हुई है उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह स्टैंड लिया कि ब्रिक्स के फोरम पे भी टेररिज्म और टेररिज्म करने वाले मुल्कों की भरपूर मजम्मत होनी चाहिए उनकी रोकथाम होनी चाहिए अच्छा, ये ये उन्होंने उनकी रोकथाम रोकथाम होनी चाहिए ठीक है अच्छा जब ये बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करेंगे तो इसका एक ही होता है और कोई है ही नहीं वो पाकिस्तान है जी चूंकि आप बार बार इमरान खान को सुनते हैं वो कहते हैं कि हमें टेरिज्म के नाम पे लपेटते लपेटते हैं और इंडिया वाले लपेटते हैं मोदी जी लपेटते हैं मोदी जी ने फिर लपेटा हाँ। हाँ। और मोदी जी जब भी टेरिज्म की बात करेंगे वो पाकिस्तान की बात करेंगे इसलिए कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से टेरिज्म का सारे हाँ। का सारा जो फसाद है पाकिस्तान में है वजह यह कि भारत में कोई और कंट्री तो आगे टेररिज्म करता नहीं है चाहे वो मुंबई का अटैक हो उसका अगले हफ्ते हम शायद तफीली बात करेंगे मगर ये महीना वही है महीना वही है तो वो भी पाकिस्तान से सारे का सारा सारे के सारे ताने मिले हुए सिर्फ ताने ही नहीं साबित हुआ बिल्कुल हुआ बिल्कुल अच्छा फिर ये आपका दिल्ली पार्लियामेंट अटैक बिल्कुल फिर वो 93 के आप वो बम्बई के अटैक याद करें जरा बिल्कुल, बिल्कुल, फिर ये पठानकोट का कोई भी ले लें आप मतलब ये उसके सारे के सारे जो होते जाके मिलते हैं कश्मीर में तो हर दूसरे रोज हो रहा होता है ये ये काम तो जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये बात करेंगे तो वो उनका खुल के

इसमें भी बहुत आगे है ब्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें भी बहुत आगे है और फिर यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आज जो ब्रिक्स का इजलास था उसमें सिर्फ पांच लीडर थे जब शंघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पिछले वीक हुआ था इजलास तो उसमें सतारह अठारह कंट्री है ठीक है ठीक है हाँ। तो वो जरा ज्यादा चूं चुका मरबा है।, है ये बहुत सिलेक्टिव है और इसका मकसद यही था कि ये न्यू इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर्स ब्रिक्स ब्राजील रशिया ठीक है तो एतबार से सिर्फ पांच लोग थे जिसमें से दो की टेंशन है ठीक है प्रेसिडेंट शी की हाँ। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की या, या। लेकिन फिर भी साथ बैठे उस साथ साथ बैठे हुए उनके जो एजेंडे पे उन्होंने तो नहीं कहा कि नहीं पाकिस्तान के हम दोस्त हैं नहीं, नहीं पाकिस्तान उस... हमारा यार है ठीक है ना हमालिया से ऊंची शहर से मीठी और वो अरा समर से गहरी जो दोस्ती है वो उन्होंने उसका जिक्र नहीं, नहीं किया रोका उनको तो रोका ही नहीं उन्होंने कोई नहीं। कोई नुकता एतराज नहीं दिया बल्कि उन्होंने कोविड की रिसर्च के सिलसिले में और भी मामला के सिलसिले में इंडिया के साथ भरपूर तावन की बात की लैंग्वेज जरा चेंज नज़र आई है ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका जी इसमें जो कहानी में ट्विस्ट है वो ये रशिया क्या कर रहा है रशिया देखिए रशिया का क्या किरदार रशिया एक बहुत बड़ी रीजनल पावर तो है दो वजूहत एक तो ये है कि रशिया अपने एरिया में दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है और वो उस रीजन में है दूसरा ये कि रशिया के पास ऑयल गैस के जो जहीरे हैं वो इतने बड़े हैं कि अब ये चीन को या किसी को मिडल ईस्ट से तेल गैस लेने की भी कोई भी कोई जरूरत नहीं है।, है अब तो मिडिल ईस्ट से तेल वेल लेने की तो अमेरिका को भी जरूरत नहीं रही अब तेल की वो सियासत तो और तो तेल कहानियां खत्म खत्म कार्ड हो गया हाँ तेल कार्ड खत्म हो गया <laughs> अब तो जो कोई खरीदता है वो हाँ। जिसको सूट करता है उसकी बेस पे खरीदता है अब चाइना बहरहाल दुनिया का बहुत बड़ा कंज्यूमर है तेल के माध्यम और भारत भी एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है ठीक है और भारत और चाइना के अलावा ब्राजील जो है वो भी एक इमरजिंग इकोनमी है ठीक है बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है वहां पे साउथ अफ्रीका अफ्रीका के रीजन में एक बिल्कुल, बिल्कुल तो इन सब को चाइना की जहाँ उसके साथ ट्रेड की जरूरत है इंडिया के साथ जरूरत है वहां रशिया के साथ भी जरूरत बिल्कुल है, है। बिल्कुल और फिर रशिया का पुराना जो हिस्टोरिक पार्थ है आफ्टरऑल सोवियत यूनियन रहा है बिल्कुल अभी भी रशिया एक स्ट्रॉन्ग पावर तो है बिल्कुल है। अगर आप रशिया को इन पांच मुल्कों से निकाल दें अगर दुनिया के परस्पेक्टिव में देखें ठीक है तो अमरीका के बाद अगर जिन चार पांच मुल्कों के नाम आएंगे तो वो अमेरिका के बाद मैं आपको साफ नाम बताता हूँ चीन है रशिया है यूरोपियन यूनियन और भारत है बिल्कुल है बिल्कुल है। ये है सबसे बड़े स्टेक होल्डर बिल्कुल है अच्छा अब ये देखें कि भारत और रूस के एक तारीखी ताल्लुकात हैं आप ठीक है ना मतलब इतने गहरे तल्लक हैं कि जब आप कोल्ड वार हो रही थी और जब दुनिया दो हिस्सों में डिवाइडेड थी अमेरिका वर्सेस रशिया इंडिया भारत के साथ भारत इंडिया के साथ खड़ा था तमाम जो उनका एमिनेशन और आर्म्स है वो आज भी रशिया से आते हैं तो रशिया एक इन्फ्लुस्ड रखता है भारत और उसके साथ चाइना के साथ भी बुरे ताल्लुक नहीं है देखा जाए तो।, तो ये जो इक्वेशन बन रही है और ये जो अब हमने शंघाई कॉपरेशन की बात की क्वाड की बात की ब्रिक्स की बात की वेर इज पाकिस्तान इन दिस नहीं देखिए पाकिस्तान तो इस सारे आ, सारी ब्रैक में कहीं नहीं है शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में है अगरचे लेकिन है। स्टेक होल्डर बात कर रहा हूँ हाँ नहीं नहीं पाकिस्तान का तो देखिए कहीं ना कहीं ये हो सकता था आफ्टर ऑल टू हंड्रेड ट्वेंटी मिलियन लोग हैं लेकिन बदकिस्मती से वो जो था ना फॉर द पास्ट पर्टिकुलरली फोर्टी ईयर्स में hmm. हमने जिस तरह अपना बुरा हाल किया यानी hmm. पाकिस्तान वालों hmm. ने hmm. उसके बाद तो वो किसी भी एक्वेशन में नहीं रहे ठीक है कोशिशें की थी कि भाई वो नाइन अलेवन के बाद वॉर ऑन टेरर में ही कोई अपनी अहमियत बना लें hmm. वो भी फिर अमेरिकन ने भी इनको कहा कि आपने हमें बिट्रे किया hmm. पाकिस्तान वाले कहते हैं नहीं आपने हमें बिट्रे किया ये ये सारी बहसें बेकार हैं प्रैक्टिकली बट पाकिस्तान वेरी यू नो पार्टनर स्मॉल पार्टनर छोटा पार्टनर हो सकता था अगर वो रिस्पॉन्सिबल बिहेव कर रहा होता नहीं, वो नहीं।, तो किया, नहीं कभी किया, किया, किया नहीं। तो किया भी नहीं ना इन्होंने कभी सोचा कि हम भी इन फोरम्स पे हों हम भी इन जगहों पे हों हम भी इनके साथ ही कम से कम कुछ ना कुछ हमें भी Uh, हमारी आवाम को भी फायदा हो तो ये एक विजडम था जो नहीं आज तक कोई डिलीवर कर सका हम वही आज जो दुनिया दुनिया देख रही है कि मोदी साहब जो है वो इन इन फोरम्स पे वर्चुअली बात कर रहे हैं right. हम देख रहे हैं कि वो शेख ये शेख रशीद फवाद चौधरी इस तरह के फिरदवास साशी कौन इतने छोटे लेवल पर गिर गए हैं कि वी डोंट लुक लाइक ए न्यूक्लियर स्टेट जो कि एक ज़माने में रिस्पॉन्सबल दुनिया का स्टेक होल्डर स्ट्रेटिजिक पार्टनर हुआ करता था सो इट इज़ अनफॉर्चुनेट देखिए अनफॉर्चुनेट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से है मगर अनफॉर्चुनेट तो तब है ना कि वो इसको, इसको, इसको रियलाइज करें। करें। तो ही नहीं करते वो तो यही समझते हैं कि पंजाबी का एक एक्सप्रेशन है मुझे इजाजत दीजिए छोकरे होते हैं हाँ, हाँ, फवाद हाँ। चौधरी हाँ। और ये फयाज चौहान और वो मुराद सईद इस तरह के जो हाँ जो मतलब गली मोहल्ले की जुबान होती है कि हमने जी वो भारत के अंदर घुस के पुलवामा का टेररिस्ट अटैक किया म... नाश्ता करेंगे लाल किले पे झंडा देंगे, देंगे। कि फर... मतलब ये ये स... अब ये है आपकी स्टेट हाँ. अच्छा ये वो स्टेट है और इसके जो बड़े खिलाड़ी है हाँ. इमरान खान साहब वो रिया मदीना मदीना रिया मदीना की बात करता रहता है कुछ भी नहीं अंदर से रियात मदीना में का ये हाल है कि उसमें गरीब आदमी मर रहा है सर गरीब आदमी मर रहा है गरीब बच्चियों का रेप हो रहा है ठीक है वहाँ पर कन्वर्जन हो रहे हैं बच्चियों के वहाँ पर एक बुरी सूट मतलब हम कितनी बात कर चुके हैं इस पर और ये सुधरते हुए हालात रोज दिखाई देते हैं कि रोज एक मर्डर होता है रोज एक रेप होता है खैर ये तो सुधरने वाली नेशन नहीं है एक और ऑर्गेनाइजेशन और है जिसको मैं चाहूँगा ब्लूमबेरी इकोनॉमिक फोरम जी जी मतलब ये तो एक के बाद एक जिसे कहते हैं ना कि क्रिकेट के उसमें कहते हैं कि छक्के फिर छक्का और फिर छक्के पे छक्का मार रहे हैं मोदी साहब तो तो ये जो इकोनॉमिक फोरम है ब्लूमेरी इसमें भी एक वर्चुअल समिट हुआ अभी जी जी आज ही हुआ आज ही हुआ ना आज ही की काफी तो उसमें उसमें भी मोदी साहब ऑफ ऑफ कोर्स कोर्स देखिए ये ये कभी भी मिस तो नहीं कर सकते ना भारत को मिस नहीं कर सकते और मोदी जी कहाँ जाएंगे मोदी साहब हर जगह आपको नजर आ रहे आपने वो तो हर जगह भारत मोदी जी हर जगह है हर जगह तमाम इंटरनेशनल लेवल वो जो इंडियन कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है एक तो है कि मोदी है तो मुमकिन है और दूसरा मुझे आई हैव टू बी फेयर मोदी जी हैं वो तो अच्छी बात है हुँ. इसलिए कि वो एक बहुत ही डिटरमेंट किस्म अगर फर्ज कीजिए जब वो नहीं भी थे हाँ। आज से छह साल पहले हाँ, हाँ। तब भी इंडिया अपनी जगह था जो जो भी पॉलिसियां थी भारत की इंटरनल कुछ पॉलिसियों से आप एग्री कर लें कश्मीर की ना करें लेकिन भारत तो था ना ठीक है और ये एक दिन की कहानी नहीं है ये से खास तौर पर भारत का जो एसर्टिव रोल है वो दुनिया तस्लीम कर चुकी थी ठीक है ठीक है थीक? अब मोदी जी के आ जाने से जो इंटरनेशनल इनका स्टेक होल्डर बनना है वो और इनका कद बढ़ गया ठीक है ठीक है और उसके बाद हर जो भी सूरत हाल होगी वो तो बाद की बात है लेकिन वो अपनी जगह लेकिन मैं भी उसको फिर जोड़ूंगा वही पाकिस्तान की सूरत हाल के साथ जो आपने पीछे भी बात की पाकिस्तान अपनी लीडरशिप की वजह से अपने ये जो छोकर खेड वाले मिनिस्टर्स हैं इनके गली मोहल्ले के बयान की वजह से इनकी बिल्कुल बर्बाद हुई इकोनॉमी की वजह से और बर्बाद हुए हुए इनके माइंडसेट की वजह से ये कहीं भी बदक़िस्मती से इंटरनेशनल लेवल पे नहीं रहा और जब ये कभी आता है इंटरनेशनल लेवल पे तो फिर ये छांगे लगाते हैं अब आपको याद होगा कि चंद हफ्ते पहले ही वो अब्दुल्ला अब्दुल्ला जो अफगानिस्तान के नंबर टू हैं जी वो पाकिस्तान के दौरे पे गए तो पाकिस्तान का वजारत खारजा और ये पाकिस्तान की सरकार उछड़ कूद रहे थे जी कि अफगानिस्तान के नंबर टू हमारे पास आ गए हैं और भारत की कोशिशें नाकाम हो गई हैं हमें आइसोलेट करने की ठीक उस दौरे से वो एक दिन का गाल दौरा था वहां से एक या दो दिन का वहां से निकल के वो सीधा दिल्ली गए और वहाँ वो ज्यादा अरसा ठहरे और वहां जाके उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हाँ। की और कुछ बातें वो की जो पाकिस्तान में करके आए थे उसके ऑपोजिट बातें की ठीक है अच्छा लेकिन भारत के मीडिया में वो कोई खबर ही नहीं थी ठीक है क्योंकि भारत के मीडिया में खबर तो यूरोपियन यूनियन के साथ डायलॉग की होगी ब्रिक्स की होगी बिल्कुल, बिल्कुल जो बाइडन के साथ होगी बिल्कुल ठीक है वो अब ये तो नहीं बातें होगी ना कि अफगानिस्तान का नंबर टू हमारे यहाँ क्या करके एग्जैक्टली तो ये ये इतना ये असल में ऐसा मेरा ख्याल फर्क है ये फर्क कोई

हो रही है कि इकोनॉमिक फोरम की बात हो रही है ब्लूमबेरी की बात हो रही है शिंगाई कारपोरेशन की ब्रिक्स की क्वाड की सबकी बात हो रही है जो बाइडन की जो डेमोक्रेटिक डेमोक्रेट्स आए हैं जी जिसमें पहले ओबामा भी रहे थे बिल क्लिंटन भी रहे थे या। आ, अब हम देख रहे हैं कि बिल क्लिंटन ने भी एक एक, एक जिसे कहते हैं ना कि एक फूड फॉर थॉट एक एक स्टेटमेंट फेंका है हाँ उसमें पार्टिसिपेट किया है उनकी हाँ, वीडियो भी है वीडियो भी है या। तो वो क्या है देखिए उसमें बिल क्लिंटन ने इस पॉसिबिलिटी का इजहार किया बिल बिल क्लिंटन उन अमेरिकन प्रेजिडेंट्स में से हैं जो चाइना को अपने साथ लाए थे ठीक है चाइना को जिन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बढ़ावा दिया सब कुछ फिर उसके बाद ओबामा उस इस सिलसिले में वो यहाँ में दूसरे मानों में गए हुए तबूत का आखिरी साबित हुए कि तो उन्होंने चाइना को इतना बड़ा रोल दे दिया तो आज बिल क्लिंटन ने यह कहा है कि हम चाइना के साथ चल सकते हैं क्योंकि वो डेमोक्रेट पार्टी के पुराने लीडर भी हैं इवन दो दफ़ा प्रेसिडेंट भी रह चुके और इस कैंपेन में जो बाइडन की कैंपेन में भी उन्होंने साथ दिया तो ट्रम्प रजीम का ये कहना कि हम इनको चाइना को कॉर्नर करेंगे अब मुझे नहीं पता मुश्किल हो जाएगा कि आगे जाके पैंटागॉन क्या डिसाइड करता है ठीक है क्योंकि ये डिसाइड डिसाइड क्या करती है।, है मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह शायद ट्रंप भी दुनिया में बातें करते हैं या करते थे अभी भी कर सकते हैं चूंकि बीस जनवरी तक तो है उनकी बातें तो वो कर सकते हैं लेकिन उस पर अमल कितना होता है सही

वजह भी नाराज था <laughs> लेकिन, लेकिन जो अमेरिका एक हुआ मैंने भी एक ट्वीट की थी कि जो अमेरिका अमेरिका पुराना वाला अमेरिका आ जाएगा नया पाकिस्तान पाकिस्तान पुराना क्योंकि जो एक पॉलिसी साज लोग बैठ के फैसले करते थे वो आ जाएंगे शायद वो किसी हद तक बुरा भी था किसी हद तक अच्छा भी था क्योंकि मसल दिखाया ट्रम्प साहब ने चाइना को सीधा किया सीधा पता नहीं सही बात किसी तक तो किया था वो कोविड की वजह से न हो गए। हाँ। अब कोविड एक बहुत बड़ा चैलेंज जी, है कोविड की वैक्सीन एक बहुत बड़ा चैलेंज है हाँ। कह रहे हैं कि बन रही है 94.5 है है।, हाँ। है।, है है फाइजर ने कहा अब ये 100 परसेंट हो जाए फिर दुनिया तक पहुंच जाए हाँ। तो फिर ये चैलेंज कुछ हाँ। काबू में होगा हाँ। लेकिन अमेरिका दुनिया के साथ किस तरह बिहेव करेगा अभी यही एज्यूम हम कर सकते हैं कि पुराने स्टाइल में करेगा पुराने स्टाइल में कुछ नई पॉलिसियां लेकर आएंगे हाँ, ये मैं कह सकता हूँ हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली ये एक से दो साल में पता चल अच्छा जो जो बाइडन के आने पर जो शादियाने बजा रहे हैं पाकिस्तान के कुछ लोग जी के शायद ये हमारे हक में बेहतर है ये इज इट इज़ इट ट्रू शायद कुछ मामला में पाकिस्तान को शायद को थोड़ी बहुत फंडिंग हो जाए ठीक है मैं शायद कह रहा हूँ लेकिन पाकिस्तान पर जो एस्टेबलिशमेंट पर जो ट्रस्ट है अमेरिकन का वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है इट मैटर कि ट्रम्प है वहाँ पे या जो बाइडन है कहते हैं कि जो ट्रंप की वजह से जो है की तलवार आज तक लटकी हुई है पाकिस्तान पर मेरा नहीं ख्याल ट्रम्प की वजह से है फेटफ की वो उन्होंने एक टफ स्टांस लिया फैटिव की जो तलवार है वो ट्रम्प से ज्यादा मुझे यूरोपियन यूनियन की और खुद जो फाइनेशियल एक्शन टास्क फोर्स का उसमें तो कोई चेंज नहीं आई उनकी अपनी फाइंडिंग्स की है ठीक है वो फिर उसके बाद ये सारे टेवे चल रहे हैं ठीक है, इस, थीक थीक है। कि यार ये शायद हो सकता है ट्रंप की वजह से सारा है, है। ट्रंप तो इमरान खान को अपना बहुत ही कहते थे बिल्कुल तो इस... हाँ, वो तो किसी को भी कुछ भी कहते हैं हाँ, तो, तो फिर उसके बाद अगले दिन वो कुछ इतने अच्छे दोस्त कहने के बावजूद भी अगर कुछ भला नहीं हुआ तो आप देखते हैं कि जो बाइडन तो कोई ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे ना अच्छी ना बुरी बिल्कुल प्रैक्टिकली क्या होता है अब हम अपने कि तो अगले वीक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हम छब्बीस ग्यारह पे जी प्रोग्राम करेंगे Absolutely. और वो आप देखना मत भूलिएगा और उसको हम आपके लिए लेकर आएंगे एक एक और एंगल उसमें है उसमें एक कैनेडियन कनेक्शन है हम उस पर बात करेंगे और उस पर यहाँ पे जो क्योंकि आपको पता है उसमें कैनेडियन भी जो है वो दो दो कैनेडियन मारे गए गए दो कैनेडियन मारे चांद जख्मी हुए जी तो वो हम एज ए नेशन एज ए कैनेडियन नेशन उसको कैसा देख रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो रही है जो हम आने वाले प्रोग्राम में बताएंगे तो उसके लिए हमारे व्यूअर्स को हमारा अगला प्रोग्राम देखना होगा और साथ साथ जो जिन चेंजेस की आपने बात की है हो सकता है अगले वीक तक वीक तक हम उसको इम्प्लीमेंट करके एक नए फॉर्मेट के साथ हम प्राइम टाइम लेकर आएँ अपने व्यूअर्स के लिए तो वो भी एक बड़ी बात होगी आज हम इस टॉपिक को यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि जो हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात आज की है ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी उस ख़ते के लिए उस रीजन के लिए तार भाई बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू व्यवर्स जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अब हम बात करेंगे आने वाले प्रोग्राम में छब्बीस ग्यारह और उस वक्त जो करंट अफेयर्स की सिचुएशन होगी उस पर भी बात करेंगे साथ साथ हम बात करेंगे कुछ डिवेलपमेंट कराची में भी हुई है उस पर भी देखेंगे क्या उस वक्त तक हमारे पास क्या रिपोर्ट्स आती हैं तो वो भी हम आपको देंगे क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ख़त् है उस रीजन का जो कि इकनॉमिकली अफ़ेक्ट करता है उस पर बात कर सकते हैं और हमारा जो नया फॉर्मेट है टैक टी वी प्राइम टाइम का उस पर हम आपको बहुत जल्द बहुत अच्छा कंटेंट देने जा रहे हैं आ, देखते रहिएगा है सब्सक्राइब करते रहिए चैनल हमारी नेटवर्क को सपोर्ट करते रहिए आपकी सपोर्ट के साथ ही हमें आ, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब यहाँ ख़त्म हो रहा है अनुसवारी को इजाज़ दीजिएगा आदाबा सब्सक्राइब टैग टीवी वी यूट्यूब चैनल एंड नोटिफिकेशन पक